प्राइस क्या डिसाइड किया? 3 लाख। इसका 3 लाख। हाँ। जिसके साथ जैसे आप नांगर कैजुअल देंगे उसका कंप्लीट बता दें। हाँ, नांगर कैजुअल के साथ ही है सब, मैं जो रेट दे रहा हूँ वो नांगर। अच्छा, ये सभी जितना बताया नांगर कैजुअल के साथ है ना? अच्छा, क्या लोग सोचेंगे सिर्फ ट्रैक्टर का प्राइस है? नांगर कैजुअल है ना, इसका प्राइस क्या डिसाइड? 1 लाख ओनली। 2007-08 का मॉडल बताया नांगर कैजुअल के साथ, 1 लाख में कंप्लीट, ये तीनों 1 ही लाख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग चित्रांत में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको लगभग यहाँ 10-12 ट्रैक्टर्स हैं, महिंद्रा का डीलरशिप भी है, बाबा एग्रीकल्चर करके यहाँ बालोद में भी है और ये गुरूर गांव है जहाँ ये करीबन बालोद से 10-15 किलोमीटर ही डिस्टेंस में है। तो यहाँ प्राइस क्या होने वाला है, कितने प्राइस में अवेलेबल होता है, तो पूरा बताने वाला हूँ। स्वराज है, सोनालिका दिखाने वाला हूँ, महिंद्रा का देखने को मिलेगा और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा देखने को। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मेरा आईडी नंबर है चित्रा12345। तो चलो भैया के थ्रू पूरा डिटेल्स बताते हैं। वेलकम माई यूट्यूब चैनल सर, आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार सिन्हा। दिलीप कुमार सिन्हा, ये शॉप का एड्रेस बताइए, लैंडमार्क? बाबा एग्रीकल्चर एंड ऑटोमोबाइल। और ये एड्रेस क्या है? गुरु गुरु कोलियामार गुरु चकोरी करके है, और चौक बोलेंगे सिर्फ गांव का ही नाम है सिर्फ ना, ये आगे और कोलिया मार करके। आपके पास स्टार्टिंग प्राइस क्या है सेकंड हैंड में? सेकंड हैंड में सर देखो, देखा जाए तो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख, 4.5 लाख। और सीजन में कम में भी मिलता हूँ? हाँ, कम कम में भी। अभी आपके पास कौन कौन सा कलेक्शन? अभी मेरे पास है 475 है, 575 है, बैम मुला वही स्वराज में 843 है, 740 है सोनालिका में, अच्छा 275 है, 475 है। स्टार्टिंग करते हैं महिंद्रा 475 DI भूमि पुत्र है, ये कौन सी मॉडल? ये मॉडल है सर 9-10 की मॉडल। अच्छा, 9-10 की लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है। कितने HP में आता है ये? 42 HP की गाड़ी है, 475। अच्छा, 42। कितना और चलो गई ये अंदाज सर? वही 1200 घंटे। 1200। बाकी रनिंग कंडीशन सर? रनिंग कंडीशन, टायर वायर तो अभी चेंज कराने नहीं पड़ेगा। इसका प्राइस क्या रखे सर? इसका रखे हैं सर 180। 1,80,000। आने के बाद कम ज्यादा है कि फिक्स रेट है? नहीं, अभी फिक्स रेट बता रहे हैं। अच्छा, अभी फिक्स रेट है, बैठने के बाद थोड़ा मोटा देख लेंगे। अच्छा, और आपके पास ट्रॉली नांगर वगैरह भी सेकंड हैंड में आते हैं? सेकंड हैंड में नांगर और केजी लाता है, नांगर और केजी बहुत कम आता है। अच्छा, नांगर और केजी। उसके बाद ये देखते हैं महिंद्रा 415 DI, ये कौन सी मॉडल है सर? ये मॉडल है सर 18 की। अच्छा, 18 की है, 19 की रजिस्ट्रेशन है और 40 HP की गाड़ी है। 40 HP की है। और ये कितना और चलाओ? ये चला होगा सर 700 घंटे के आसपास, 600-700 ऐसी है। अच्छा, इसका प्राइस क्या रखे हैं? ये सर ये 4 लाख। ये 4 लाख। इसका हुड वगैरह पूरा लगा दिया जाएगा? लगा के पूरा कंप्लीट करके मिलेगा यहाँ से? और यहाँ फाइनेंस की सुविधा है क्या? हाँ है ना, फाइनेंस हो जाएगा। और जैसे कोई अदर स्टेट से लेना चाहे तो हो जाएगा सर? हो जाता है ना, NOC देखे? हाँ, NOC देख दिया। इसके बाद देखते हैं ये महिंद्रा 475 DI, ये DLX कौन सी मॉडल है सर? ये सर 10 मॉडल है। अच्छा, 10 ऑयल ब्रेक की गाड़ी है। ऑयल ब्रेक? हाँ, पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग? हाँ, ये 10 के गाड़ी है, 11 के रजिस्ट्रेशन है इसमें। ये कितना चला होगा? ये समथिंग चला होगा सर, ये भी 1000 के आसपास। अच्छा, 1000 के आसपास। इसका प्राइस क्या रखे आप? इसका 3 लाख। अच्छा, 3 लाख प्राइस है इसका। सभी अभी फिक्स रेट बता रहे हैं ना? हाँ, नेगोशिएट वाला नहीं है तो ज्यादा ध्यान देना कि फिक्स रेट है, बार्गेनिंग वाला कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, फिक्स रेट है ये। इसके बाद ये देखते हैं सोनालिका DI 740, ये 14 मॉडल, ये 14 मॉडल है। ये कितना चला होगा? ये अंदाज भाई चला
11-12 ये कितने एचपी में है? ये 40 HP की गाड़ी है। 40 HP में पासिंग इसका है 19 पासिंग पासिंग है। बाकी इन सब का कहाँ कहाँ का होगा पासिंग? ये सर ये दुर्ग पासिंग है, वो अपना बालोद पासिंग है। बालोद वो दुर्ग पासिंग है, वो भी दुर्ग 07। ये कितना चला होगा? ये चला होगा सर 1012 के आसपास। इसका प्राइस क्या डिसाइड किया? ये 3 नांगर कैजुअल के साथ कंप्लीट 3। अच्छा, नांगर और कैजुअल के साथ 3 लाख में कंप्लीट मिल जाएगा। मॉडल क्या बोले थे आप? ये 14 का मॉडल 3 लाख में कंप्लीट है। उसके बाद ये स्वराज, स्वराज 2019 मतलब ये न्यू कंडीशंस में मिलेगा। अच्छा, मतलब डायरेक्ट लेगा मतलब उसको नया जैसा फीलिंग आएगा। ये कौन सी मॉडल है सर? स्वराज 843 XM 2019 की मॉडल है। ये कितने एचपी में आता है? ये 42 HP की गाड़ी है। 42 HP में आता है। कितना चला होगा ये सर? ये चला है 650 घंटा कुछ। 650। इसका प्राइस क्या रखें? इसको रखें सर 475। 475,000। अच्छा, सेम इसके बाद। और आपका महिंद्रा सिर्फ का डीलरशिप भी है ना? हाँ। और उसमें फाइनेंस होता है आपके यहाँ? न्यू में भी फाइनेंस होता है? फाइनेंस होता है ना, बैंक वगैरह से आपका होता है? बैंक से होता है। इसके बाद देखते हैं स्वराज 843 XM। ये 2015 की मॉडल है। ये 42 HP में आता है। कितना चला होगा ये सर? ये 1300 घंटा कुछ चला हुआ है। 1300 घंटा चला हुआ। और इसका प्राइस क्या डिसाइड किया? 3 लाख। इसका 3 लाख। हाँ। जिसके साथ जैसे आप नांगर कैजुअल देंगे उसका कंप्लीट बता दें। हाँ, नांगर कैजुअल के साथ ही है सब। मैं जो रेट दे रहा हूँ वो नांगर। अच्छा, ये सभी जितना बताया नांगर कैजुअल के साथ है ना? अच्छा, क्या लोग सोचेंगे सिर्फ ट्रैक्टर का प्राइस है? नांगर कैजुअल है ना। उसके बाद सेम है 843 XM और है ये 2014 का मॉडल। हाँ। ये भी सेम 42 HP। हाँ। है ना। कितना चला होगा ये? ज्यादा चला होगा सर, ये थोड़ा से 1500 घंटे के आसपास होगा। अच्छा, 1500-1600। इसका प्राइस क्या डिसाइड किए? इसका 270 से 270,000 नांगर कैजुअल के साथ। अच्छा, इसके बाद ये न्यू में है कि? ये न्यू है सर। अच्छा, ये न्यू है। आपके यहाँ डोजर वगैरह भी मिल जाता है? डोजर मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद ये देखते हैं, ये है न्यू हॉलैंड का 3230। ये कितने एचपी में आता होगा सर? ये सर 32 HP की गाड़ी। 32 HP। अच्छा, ये मॉडल कौन सी है? ये मॉडल है सर 7-8 की मॉडल। अच्छा, 7-8 की मॉडल है। ये भी आपको नांगर कैजुअल में? उसका हुड तो लगा के दे लगा के देंगे सर। ये कितना चला होगा ये? अच्छा, देखना पड़ेगा इसका। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में भी आपका नंबर भी मैं बता दूंगा। इसका प्राइस क्या डिसाइड? 1 लाख। ओनली 1 लाख। अच्छा, 2007-08 का मॉडल बताया नांगर कैजुअल के साथ 1 लाख में कंप्लीट। ये तीनों 1 ही लाख। ये कौन सी है? सोनाली का 740। ये भी 8 मॉडल के दमदरी पासिंग है। और कितना चला होगा ये इसका? इसका देखना पड़ेगा इसका भी। बाकी हुड नांगर कैजुअल दिया जाएगा और 1 लाख में ये भी। अच्छा, मतलब बहुत बेनिफिट है। नांगर कैजुअल ही लेंगे मान लो कोई तो कितना पड़ जाता होगा सेकंड हैंड में? सेकंड हैंड में तो सर किसान जो देते हैं उसी को देते हैं। अगर किसान कई किसान ऐसे रहते हैं कि नया नांगर कैजुअल चाहिए तो नया नांगर कैजुअल। जैसे अगर सेकंड हैंड में भी कोई लेना चाहता है तो कितना पड़ता होगा नांगर और कैजुअल का प्राइस क्या होगा? कंडीशन देख के रहता है सर कोई भी जैसे। फिर भी मैक्सिमम भाई 2 के मिल रहा है नांगर कैजुअल का। उसके बाद ये महिंद्रा है 475 DR भूमिपुत्र। ये कौन सी मॉडल है सर? ये है सर 7 मॉडल 2007 मॉडल। कितने एचपी में आता होगा ये? 42 HP की। 42 HP का। और ये चला, ये तो रनिंग देखना पड़ेगा। रनिंग चलता है सर। बाकी इसका प्राइस क्या? 1 लाख। ये भी 1 लाख नांगर कैजुअल का। गुड पूरा। टायर तो लगभग चलेंगे ही 2-2.5 साल है ना। उसके बाद देखते हैं ये कौन सी है? ये 275 है सर। 275। ये कौन सी मॉडल है? ये मॉडल है 6 मॉडल 2006 का मॉडल है। और ये 80,000 सिर्फ 80,000 नांगर कैजुअल इसमें भी। अच्छा, बेनिफिट्स है मतलब। और अलग से सिर्फ ट्रैक्टर लेना होगा तो बोले तो कि एक साथ कंप्लीट ही दोगे? नहीं, ट्रैक्टर अगर ट्रैक्टर बोलेंगे किसान ट्रैक्टर ही देंगे। अच्छा, ट्रैक्टर बस भी दे सकते हैं ना? ट्रैक्टर भी दे सकते हैं। अच्छा, उसका प्राइस कम रहेगा? हाँ, ट्रैक्टर भी दे सकते हैं, नांगर कैजुअल भी दे। अच्छा, तो ये कितने एचपी? 475 था क्या अभी? हाँ, ये नहीं 275 275 कितने? 37 HP में आता है। इसके बाद ये न्यू में है। आपके पास कमर्शियल्स भी है? वो अपना।
अच्छा होगा। बाकी और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। तो यहाँ भैया के थ्रू हमने 10-12 ट्रैक्टर्स दिखाए जिसमें महिंद्रा ट्रैक्टर्स का डीलरशिप भी है, और यहाँ आपको 1 लाख 4 ट्रैक्टर्स 1 लाख में दिखाया नांगर कैजुअल के साथ में। फाइनेंस कर देते ना भैया, जैसे नीचे का मॉडल है तो हो जाता है ना, फाइनेंस भी हो जाता है बोल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ट्रैक्टर्स कम बजट में आपको हमारे चैनल के थ्रू देखने को मिला गया, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।